ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ अपोजिट फोर्स दैट वर्क्स बिटवीन टू सर्फेसेस व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स है जो कि दो कॉन्टेक्ट में आए हुए सर्फेसेस के बीच में वर्क करता है और ये मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है, जिससे कि ये फ्रिक्शन को अपोज करता है। फ्रिक्शन को क्या करता है, मतलब मोशन को अपोज करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन विच फैक्टर्स फ्रिक्शन डिपेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सर्फेस। सबसे पहला है क्या, ये उसके रफनेस पे डिपेंड करता है। दूसरा, जो फ्रिक्शन होता है वो इंटरलॉकिंग्स यानी कि उसके रफनेस का लेवल, रफनेस ज्यादा है या कम है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देखो दोनों दो अलग अलग पॉइंट है, पहला है कि रफनेस है या नहीं है, दूसरा है कि ये उसके रफनेस के कितना ज्यादा उसका लेवल है, मतलब ज्यादा रफनेस है या कम रफनेस है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, एक सर्फेस इस पे भी रफनेस है और दूसरा सर्फेस इस पे भी रफनेस है, लेकिन दोनों का लेवल ऑफ रफनेस अलग अलग है, ओके। एंड देन द थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द सर्फेस, सर्फेस का नेचर कैसा है। फिर वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट कितना ज्यादा है, जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द काइंड ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, एक जगह पे फिक्स होंगे, उनके थ्रू जो फ्रिक्शन अप्लाई किया जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, वो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द अदर बॉडी। एक रेस्ट वाली बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करने की कोशिश करती है या हम फोर्स लगा के उसे मूव करना चाहते हैं, तो इस समय उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है टिल जब तक की मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब आपने उसे पुश किया और जब तक वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हुआ, तब तक जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फिर दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होता है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज मूविंग, इट जस्ट एज अ वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर सर्फेस, ठीक है। एक सर्फेस पे जब मूव करते टाइम, जस्ट मूवमेंट के टाइम पे जो मैक्सिमम फोर्स लगता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है वो होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। फिर तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन मीन द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव कर रहा है और उसकी वजह से भी फ्रिक्शन लगता है, देन दैट वन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट अप्लाइड बाय द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, किसी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि आप स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, या समथिंग कोई ऐसी, तो उस केस में जो फ्रिक्शन अप्लाइड होता है वो होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिमिलरली रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स रोल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके द्वारा जो फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है वो कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्या कहा जाता है, रोलिंग। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच फ्रिक्शन इज मोर अमंग द स्टैटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन एंड व्हाई, एंड अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रिक्शन इज लेस अमंग द रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट विच फ्रिक्शन इज मोर अमंग द स्टैटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन में ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ही, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट जिस भी पोजिशन में रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ये ज्यादा है, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, ठीक है, ग्रेविटी भी यहाँ पे वर्क करेगी, जिसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। जबकि रोलिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ठीक है, रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट में
रोलिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली स्फेरिकल नेचर का होगा, इसका जो व्हील्स होगा वो स्फेरिकल नेचर का होगा। सो रोलिंग ऑब्जेक्ट में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होने की वजह से फ्रिक्शन भी कम होगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन था ऑन विच फैक्टर्स द फ्रिक्शन डिपेंड्स, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी आता है। ठीक है, इस पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है। अगेन रोलिंग और स्लाइडिंग में रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मिनिमम होता है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? मिनिमम। स्लाइडिंग के केस में भी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम किस में होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन में उससे थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच वी कैन प्रूव दैट द नेचर ऑफ सरफेस अफेक्ट्स द फ्रिक्शनल लेग, या फ्रिक्शनल फोर्स को नेचर ऑफ सरफेस अफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी हमारे पास है जस्ट लाइक कि हम जो है कि एक वुडन ब्लॉक ले लें, वुडन ब्लॉक को हम इस तरीके से स्लैंट की तरह से रख दें, इस तरीके से क्या करें, वुडन ब्लॉक को रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक बार इस पर से एक बॉल को छोड़ते हैं और वो बॉल कितनी दूर तक जाती है हम उसे नोटिस कर लेते हैं, हम उसे क्या कर लेते हैं, नोटेड डाउन कर लेते हैं। ठीक, बॉल को यहाँ पे रख करके सबसे हाइट पे आराम से जेंटली ड्रॉप कर देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि बॉल कितनी दूर तक गई है। तो ये हमारा पार्ट वन हो गया। पार्ट टू में हमने रफनेस को इंक्रीज कर दिया, रफनेस को एक्चुअली बदल दिया। अब रफनेस इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे डस्ट रख सकते हो, ग्रेवल्स रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉटन का या किसी अदर टाइप का कपड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कोई क्लॉथ पीस यहाँ पे लगा सकते हैं एंड अगेन यहाँ से बॉल को ड्रॉप करेंगे। तो अगेन जब रफनेस अगर इंक्रीज की है तो बॉल ऑलवेज पहले से कम दूरी ही तय करेगी। ठीक है, और अगर आपने रफनेस को डिक्रीज किया है, मतलब आपने सरफेस को स्मूथ कर दिया ऑयल लगा करके या ग्रीसिंग कर दी या कुछ अदर, तो वहां पे बॉल पहले से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रफनेस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने से ही, यानी कि नेचर ऑफ सरफेस बदलते ही जो फ्रिक्शन है वो चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे अप्लाई हुआ? तो मोशन को अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। और हमें पता है फ्रिक्शन जो है नेचर ऑफ सरफेस चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा होगा तो बॉल कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बॉल क्या करेगी? कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इट वॉज द एक्टिविटी नंबर वन। ठीक है, द सेकेंड एक्टिविटी, जो सेकेंड एक्टिविटी है जिससे कि हम प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्प्रिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? स्प्रिंग बैलेंस की। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, और फिर स्प्रिंग बैलेंस से उसे पुल अप करेंगे। उसे क्या करेंगे? पुल अप करेंगे। तो स्प्रिंग बैलेंस से पुल अप करते टाइम, स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते टाइम? पुल अप करते टाइम वी विल सी कि स्प्रिंग बैलेंस में जो यहां पे एक पॉइंटर होगा, स्प्रिंग बैलेंस में क्या होगा? एक पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर पुल होता है। वो पॉइंटर क्या होता है? पुल होता है। तो कितना वो पुल हुआ हमने उसकी मार्किंग नोट कर ली। यहाँ साइड में मार्किंग लगी होती है, हमने उसका क्या कर लिया? मार्किंग से उसे पुल अप कर लिया, उसे नोट डाउन कर लिया। अगेन केस नंबर टू में हमने ऑब्जेक्ट का वेट बदल दिया, या फिर यहाँ पे जैसे अभी बताया गया था कि कुछ पेंसिल्स या कुछ अदर चीजें रख करके हमने नेचर का सरफेस बदल दिया एंड अगेन पुल अप करेंगे। अगेन क्या करेंगे? पुल अप करेंगे। ठीक है, पुल अप करते ही फिर से जब खींचेंगे, जब फिर से पुल अप किया तो फिर से यहाँ पे पॉइंटर का मार्क बदलेगा और अगेन हमने उस मार्क को नोट डाउन किया। ठीक है, आफ्टर डूइंग द एक्टिविटी वी विल ऑब्जर्व एज द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्मूथनेस इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, यानी कि फ्रिक्शन भी कम हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन भी क्या हो गया? कम हो गया।
और अगर सरफेस का रफनेस इंक्रीज हुआ है, सरफेस का रफनेस इंक्रीज हुआ है, तो इन दैट केस यहाँ पे फोर्स ज्यादा पुल होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, तो पॉइंटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये जितना ज्यादा यहाँ जीरो के पास होगा उतना ही कम फोर्स अप्लाई होगा, गेट इट? जितना भी कम फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा ये यहाँ पे पॉइंटर इसका जीरो के पास होगा, ठीक है? और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए होते हैं, यहाँ पर क्या जो पॉइंट्स दिए होते हैं, हर पॉइंट का 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें फोर्स पता चल जाता है। तो हमें क्या पता चल जाता है?